नमस्कार, नेताजी न्यूज में आपका स्वागत है। छठे चरण का चुनाव मतदान खत्म हो चुका है। हरियाणा की जनता 10 लोकसभा सीटों पे अपना उम्मीदवार चुन चुकी है। हरियाणा की जनता ने इस बार चुनाव मतदान में बढ़ चढ़ के वोटिंग की। निर्वाचन आयोग की माने तो हरियाणा में इस बार 64.1% की वोटिंग हुई है। इंतजार है तो अब 23 तारीख का। तो आज हम लेकर आए हैं हरियाणा की हर एक सीट का एग्जिट पोल। हम आपको बताएंगे हरियाणा की जनता इस बार किसका देगी साथ, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की है उम्मीद। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले इलेक्शन की हर खबर आपको मिलती रहे। बात करेंगे हरियाणा के सबसे हॉट सीट हिसार से। बता दें कि हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर साल 2014 में इंडियन लोकदल के दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा जनहित कांग्रेस को हराकर मारी थी बाजी। क्या होगा इस बार? क्या दुष्यंत चौटाला एक बार फिर बाजी मार सकते हैं? 2019 चुनाव के आंकड़े की माने तो इस बार हिसार में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और इस बार भी जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला हिसार की सीट पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। अब बात करते हैं रोहतक लोकसभा सीट के बारे में। 1952 से लेकर 2014 तक 17 बार चुनाव हुआ है। यहाँ से ज्यादातर जाट समुदाय के नेता सांसद बने हैं क्योंकि यहाँ जाट वोटर्स की आबादी काफी ज्यादा है। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुडा ने बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश धनखड़ को 1,70,000 वोटों से हराया था। गोहना रैली के बाद ये तो तय हो गया है कि हुडा परिवार को हराना बहुत मुश्किल है और एक बार फिर दीपेंद्र सिंह हुडा चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं। करनाल की बात करें तो साल 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार अश्विनी कुमार चोपड़ा ने कांग्रेस और बसपा को हराकर विजय हासिल की थी। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया करनाल लोकसभा सीट पर जीतते नजर आ रहे हैं। रुक करते हैं सिरसा लोकसभा सीट पे। बता दें कि INLD के उम्मीदवार चरणजीत सिंह रोड़ी ने कांग्रेस, आप और बसपा को हराकर 2014 में विजय हासिल की थी। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार अशोक तंवर इस सिरसा लोकसभा सीट पे जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल दूसरे नंबर पर रह सकती हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो साल 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार राजकुमार सैनी ने कांग्रेस और इंडियन लोकदल को हराकर विजय हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार बीजेपी और JJP के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन फिर भी बीजेपी के उम्मीदवार नायाब सैनी JJP के उम्मीदवार DD शर्मा को मात देते नजर आ रहे हैं। ये था हरियाणा की 5 लोकसभा सीटों का सबसे बड़ा और सबसे सटीक एग्जिट पोल। आगे के 5 सीटों पर एग्जिट पोल जारी है। कमेंट बॉक्स पे आप हमें बताइए कि इन 5 सीटों पे कौन जीत सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।